सब लोग होमवर्क करके आए हैं आज? होमवर्क दिया था मैंने आपको। हेलो, दीदी, मेरा कल का क्लास मिस हो गया था, मतलब इससे पहले का, तो मैंने नहीं किया। अच्छा नेक्स्ट टाइम ठीक से है, याद रखूंगी, नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी। तो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग तो मिलता है ना आप लोग को, रिकॉर्डिंग आप सुन के आ जाया कीजिए। एक्चुअली देखिए, रिसर्च का ऐसा क्लास होता है ना कि एक भी क्लास अभी मत मिस कीजिए, जी एटलीस्ट दीदी, आई अंडरस्टैंड, समझ हाँ, क्योंकि एक भी क्लास मिस करेंगे, सुन के नहीं आएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। में भी नहीं आएगा। बराबर, मैं याद रखूंगी दीदी आपसे। ठीक है, और कोई जो होमवर्क करके आए हो? कोई भी नहीं करके लाए होमवर्क? नमस्ते मैम, सॉरी, मेरा तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं थी, फीवर था, आज ही ठीक हुई हूँ। बट आई एम मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे रिपीट नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। अच्छा चलिए, तो फिर कोई एक जो होमवर्क करके आए हो, कोई भी नहीं, 42 मैम, जो पार्टिसिपेंट में टाइप्स टाइप्स बाप ऑफ रिसर्च, तारीफ वाला। हाँ बोलिए बोलिए हिमा वो जी। मैम एक किया है और दूसरा आधा हुआ है, मतलब वो टाइटल वाला था ना, वो आधा हुआ है और पहले जो भेजा था वो हो गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे आप लोग कि रिसर्च में उस दिन आप लोग की इंक्वायरी थी ना, इंक्वायरी था आपका कि रिसर्च टाइटल और रिसर्च क्वेश्चन में क्या फर्क है। तो जो मैं पेपर दी थी, अब क्लियर हो गया ना कि पेपर का टाइटल क्या था? डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड फिजिबिलिटी ऑफ योगा मॉड्यूल, ये टाइटल था उसका। रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा कि क्या मेरा योगा मॉड्यूल ब्लाइंड चिल्ड्रन पे काम करेगा, यही होगा ना, वो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। अब समझ में आ रहा है आप लोग को? जी मैम, उसमें उन्होंने हाँ दिया था कि डेवलप, वैलिडेट और असेस द फिजिबिलिटी करके उनने हाँ क्वेश्चन में दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अभी मैम, हम, हाँ वो बताइए। टाइप्स वाला एंड फ्रेज वाला डिस्कस कर देंगे क्या, उसका आंसर? टाइप्स वाला, हाँ, उसको करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी आप लोग। एक तो ये होमवर्क था आप लोग का, ठीक है, कि स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? जी ठीक है, एक ये जी होमवर्क था, लिटरेचर रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो है ये ऑर्गेनाइजर जो है आपको आपके रिसर्च में हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को कम से कम 30-35 लिटरेचर रिव्यू करने के बाद ही अपना रिसर्च स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, कम से कम 30-35 स्टडी पेपर पढ़ के उसके बाद जो है रिसर्च स्टार्ट करना चाहिए अपना। ठीक है, तो इसमें क्या है लिटरेचर रिव्यू में कि जैसे उस दिन मैंने आपको पेपर मैं दी थी, तो इसमें होमवर्क करने बोली थी, तो टाइटल क्या होगा उस पेपर का जो पेपर भेजी थी मैं आप? डेवलपमेंट हाँ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन वैलिडेशन ऑफ ऑफ अ योगा मॉड्यूल फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड फिजिबिलिटी स्टडी। वेरी गुड। जर्नल का नाम क्या था जिस जर्नल में वो पब्लिक? BYVI। जर्नल ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। वेरी गुड। ईयर क्या था उसका? 2018। 2018 ऑथर? 19 था 19। ठीक है, ऑथर? मैम। ऑथर उधर दो तीन लिखे थे, मतलब वो सुभा लक्ष्मी करके हाँ थे देखिए, और बलराम थे। ऑथर का मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हर रिसर्च पेपर में, जैसे मान लीजिए जो मेन ऑथर है वो तो रिसर्चर है, ठीक है, जैसे मैं अपने मेन ऑथर हूँ, लेकिन मेरे गाइड भी तो मेरा हेल्प कर रहे हैं, मेरे को गाइड भी तो मेरा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है पहले जो है ऑथर का नाम होता है, जो सबसे पहला, जिसने जो रिसर्च स्कॉलर होगा ना, जिसने रिसर्च का, जिसका 60% वेटेज मानते हैं हम लोग, जिसका सबसे पहला नाम होता है, ठीक है, वो रिसर्चर का नाम होता है। और अगर बहुत सारे नाम दिए होते तो इट एल ई टी और ऑल करके लगाते हैं उसको, मतलब इतना सारा नाम। बहुत सारे पेपर में क्या होता है, बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, ठीक है, कोई बड़ी स्टडी होती है ना तो उसमें बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो मेरा जो पहला ऑथर होता है हम उसका नाम लिख करके फिर उसको इट ऑल कर देते हैं, ईटी करके। वो अभी मैं आपको दिखा दूंगी लिख करके। ठीक है, तो ऑथर जो सबसे पहला वाला है वो रिसर्च स्कॉलर होता है, फिर उसका गाइड, फिर को गाइड, फिर बाकी जो भी ऑथर भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे ऑथर्स को हम लोग देते हैं कि उनके नाम से जो है मेरा पेपर का थोड़ा वेटेज हो, तो इसलिए भी देते हैं, जिसको हम गेस्ट ऑथरशिप बोलते हैं।
तो उतना नहीं पढ़ना है आप लोग को, बस आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जो सबसे पहला ऑथर है उस पे आपको फोकस करना है, वही उसका 60% वेटेज होता है, 40% वेटेज उसके गाइड होता है, ठीक है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होगा इस रिसर्च पेपर का, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम किस किस प्रॉब्लम पे बेस्ड था ये रिसर्च पेपर? विजुअल इम्पेयरमेंट पे था। और मेथड क्या था? डेवलपमेंट ऑफ योगा, मतलब मैम ये ऑथेंटिक योगा पे ही था ऐसा वो। The study comprised the follow steps: development of yoga module, step one था। Development of yeah, very good। Step two क्या था? Validation of yoga module, visibility of study, step two था फिर validation of yoga module result था ये मैम उसका मैच। देखिए मेथड में क्या है, सबसे पहले रिसर्चर ने क्या किया है, सबसे पहले एक मॉड्यूल डेवलप किया है, आसन प्राणायाम क्रिया मुद्रा वगैरह सब कुछ डाल करके एक मॉड्यूल को डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। फिर वैलिडेशन, वैलिडेशन क्या हुआ कि उस फील्ड में जितने भी योगा प्रोफेसर थे या योगा के स्टूडेंट थे या जिन रिसर्चर ने उस फील्ड में काम किया हुआ है उन सबका जो है उन सबसे हम वैलिडेट कराते हैं कि इसमें से जो भी हमने प्रैक्टिसेस दिया है ऐसा तो नहीं है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे या उनको कुछ नुकसान होगा या हमें ये प्रैक्टिस जो है हटा देना चाहिए, ये प्रैक्टिस रखना चाहिए, तो इस तरह करके वो वैलिडेट एक्सपर्ट वैलिडेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। हम ये मेथड में लिख सकते हैं क्या, जैसे डेवलपमेंट में है ये मेथड फैक्टर्स लिए है? बिल्कुल बिल्कुल, ये डेवलपमेंट बता रही हूँ, ये जो है ना मैं आपको मेथड ही बता रही हूँ कि पहला मेथड का क्या क्या था। पहला मेथड था डेवलपमेंट का, दूसरा मेथड क्या था वैलिडेशन का, ठीक है, और तीसरा मेथड डेवलपमेंट के भीतर जो जैसे डेवलपमेंट में इंक्लूड हुआ है एंसेंट एंड कंटेम्पररी टेक्स्ट, फोर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, प्रीवियस स्टडी। आपने जो मॉड्यूल डेवलप किया है, जो भी आसन प्राणायाम दिया, आप अपने मन से तो देंगे नहीं क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, आप उसका प्रॉपर आप रेफरेंस देंगे ना कि इस बुक में, जैसे कि मान लीजिए ब्लाइंड बच्चों पे ही हुआ है तो हम दो तरह से लिटरेचर रिव्यू करते हैं योगा में, एक एंशियंट लिटरेचर रिव्यू होता है, एक मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू होता है। तो एंशियंट लिटरेचर रिव्यू क्या हो गया, जो बुक में दिया हुआ है, जैसे आप हठ योग प्रदीपिका पढ़ रहे हैं, हठ रत्नावली पढ़ेंगे, गेरन संहिता पढ़ेंगे, तो इन सब में लिखा है ना कि ये आसन करने से क्या फायदा है या ये आसन किसको नहीं करना चाहिए, ऐसे करके दिया हुआ है ना, तो वो रेफरेंस भी आप देंगे और प्लस जो साइंटिफिक स्टडी हुआ है उस प्रॉपर आसन पे। जैसे मान लीजिए मैं पश्चिमोत्तान आसन का दे रही हूँ, तो पश्चिमोत्तान आसन क्या होता है, पश्चिमोत्तान आसन जो है आपका गिरन संहिता में भी दिया है, हठ योग प्रदीपिका में भी दिया है, तो हम क्या करेंगे उस बुक से भी रेफरेंस लेंगे और जो किसी ने जो इस पश्चिमोत्तान आसन पे जो साइंटिफिक स्टडी किया है, मान लीजिए किसी ने ब्रेन ब्रेन इमेजिंग टेक्निक निकाला होगा इसका कि पश्चिमोत्तान आसन करने से क्या होता है या बीपी बढ़ता है घटता है, इस तरह से बहुत लोग किए होंगे ना, तो उसका भी लिटरेचर रिव्यू हम देंगे, ठीक है। मतलब एंशियंट लिटरेचर रिव्यू तो होगा ही, साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो मेथड में मेरा डेवलपमेंट भी आ गया, वैलिडेशन भी आ गया और ये आपका फिजिबिलिटी भी आ गया। ये तीन तीन मेथड यूज हुआ है इसमें कि सबसे पहले रिसर्चर ने एक मॉड्यूल डेवलप किया है, उसके बाद फिर जो है उसको वैलिडेट कराया गया है और उसके बाद फिर जो है उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की गई है कि वो जो हमने डेवलप किया है मॉड्यूल वो बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिकली उसको देखते हैं कि वो फिजिबल है कि नहीं बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये मेथड में ये तीन चीज आ गया इसमें इस रिसर्च पेपर से, ठीक है। और फाइंडिंग्स, फाइंडिंग क्या है आप बताइए, हेलो। उनका सक्सेसफुल इफेक्टिव था जो 1 मंथ का पायलट स्टडी था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो है जो हमने फाइंड क्या किया, जो मॉड्यूल हम बनाए थे ब्लाइंड बच्चों के लिए वो सक्सेसफुल रहा अनसक्सेसफुल रहा या उसमें और चीज हटाया गया और चीज जोड़ा गया, मतलब ये आपका फाइंडिंग रहा। कंक्लूजन क्या हुआ या रिकमेंडेशंस भी आप इसको बोल सकते हैं, कंक्लूजन क्या हुआ स्टडी का हम उनको दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कंक्लूजन है कि ये हम दे सकते हैं या इसके आगे हम और फर्दर स्टडी कर सकते हैं इस मॉड्यूल के ऊपर, ठीक है। कि हमने क्या क्या फाइंड किया, राइट, अब तक हम कहां तक पहुंचे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, रिसर्च से क्या फाइंड किया आपने जी। और अब देखिए ये रिसर्चर सिग्निफिकेंट टू रिसर्चर प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग का रिसर्च क्वेश्चन क्या था इसमें, रिसर्च क्वेश्चन क्या था कि क्या मेरा योगा मॉड्यूल
बच्चों पे काम करेगा या जो विजुअल चिल्ड्रन है उस पे काम करेगा, तो सिग्निफिकेंस टू रिसर्चर प्रॉब्लम, ये सिग्निफिकेंस रहा कि नहीं रहा, ठीक है। यस तो ये है आपका, तो देखिए हर तरह का रिसर्च होता है, ये है कि मॉड्यूल कैसे वैलिडेट, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये सारी चीजों को क्लियर करने के लिए मुझे, मैंने आपको पेपर का दिया था कि इन सब चीजों में आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है, इसलिए मैं आपको पेपर दी थी। हालांकि ये सब क्वेश्चंस आए, मतलब पेपर दे करके या इस तरह से कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन ये चीज आपको समझना जरूरी है कि टाइटल किसको बोलते हैं, जर्नल क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, मेथड क्या होता है, फाइंडिंग कंक्लूजन, ये सब आपको जानना जरूरी है, तो इसीलिए मैं आपको पेपर वर्क दी थी, ठीक है। और जो हाँ क्या होता है और वो रिलेटेडनेस क्या होता है वो एक बार और समझाएंगे प्लीज। क्या 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 रेकमेंडेशन क्या होता है और रिलेटेडनेस क्या होता है? रेकमेंडेशन जैसे जो है ना, आप देखिए ये तीन टर्म है, ठीक है, जो होमवर्क नहीं करके आए कल मैं उनसे फिर से पूछूंगी, फाइंडिंग कंक्लूजन रेकमेंडेशन, ठीक है, रिलेट, ये जो तीन टर्मोलॉजी है ये तीनों आप मुझे बताएंगे कल के क्लास में, ठीक है, क्योंकि ये जब तक आप पढ़ के नहीं आएंगे आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं बोल के आई पूछी थी कि किसने किसने होमवर्क किया है, आप देखिएगा कि इसमें फाइंडिंग में क्या लिखा है, कंक्लूजन में क्या लिखा है, और कल फिर मैं इसको बताऊंगी कि फाइंडिंग क्या है, कंक्लूजन क्या है, रिलेटेडनेस क्या है, मैं ये आपको बताऊंगी समझाऊंगी क्या है, लेकिन आप भी थोड़ा सा पढ़ के आइए इस चीज को, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत, ये तीनों टर्म बहुत क्लोज है आपस में, ठीक है, तो इसको पहले पेपर एक बार रीड करके आइएगा, उसके बाद फिर मैं कल फिर से पूछूंगी ये तीन क्वेश्चन आपसे, ठीक है। मैम ये जो लास्ट पॉइंट है तो मुझे लगता है ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैं एक नया रिसर्च कर रहा हूँ, लाइक व्हाट आर द प्रोनेम प्रोनेम फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, ठीक है, ये मेरा रिसर्च टॉपिक है, तो ये रिलेटेड लिटरेचर हो गया ये जो आप भेजे हो आर्टिकल, तो उसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो उससे क्या मेरे स्टडी के लिए क्या रिलेशन है या रिलेटेडनेस है उसको मैं? बिल्कुल, जो आपने लिटरेचर रिव्यू जो मैं बोली कि आपको अपना रिसर्च शुरू करने के पहले कम से कम 30-35 पेपर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, तो आपको 30-35 पेपर, 30-35 पेपर का मीन 30-35 रिसर्च जो हो चुके हैं मॉड्यूल वैलिडेशन पे, ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया ना। लास्ट पॉइंट में लिखूंगा कि मेरे टॉपिक के लिए इससे क्या क्या मुझे मिला, लास्ट पॉइंट जो लिखे है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि आपने जो रिसर्च किया है, आपने देखिए 30-35 पेपर जो आपने पढ़ा वो तो पढ़ा ही, उनका तो रिजल्ट मतलब आपको सब पता चल गया अगर आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो, ठीक है, आपने क्या नया किया ये है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो आपने क्या इसमें वो डिस्कशन में आता है या नहीं तो सिग्निफिकेंस टू द रिसर्चर प्रॉब्लम आता है कि आपको कुछ ना कुछ तो, आपका कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन था ना रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, या आपने आपने क्या पाया जो आपने, ये आपको जो है आपका पेपर जितना भी पेपर आपने पढ़ा है प्लस आपने जो स्टडी किया है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है, टॉपिक को क्या क्या हेल्प मिल रहा है यहाँ से, बिल्कुल, और कैसे, हाँ, और बाकी दूसरे को भी कैसे, जैसे डिस्कशन पॉइंट में आप देखेंगे डिस्कशन पॉइंट में हमेशा लिखा रहता है कि जो भी यूनिकनेस होता है हमारे रिसर्च का, यही होता है, यही यही लिखते हैं हम डिस्कशन में, सिग्निफिकेंट टू रिसर्चर प्रॉब्लम, मतलब जो भी यूनिकनेस है ना मेरे स्टडी का, जो मैं स्टडी की हूँ वो आपको डिस्कशन यही लिखना होता है, सिग्निफिकेंस टू द रिसर्चर प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये हम फिर से कल ये तीनों डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लीज पढ़ के आइएगा, पढ़ के नहीं आएंगे तो फिर ये नहीं समझा पाऊंगी मैं आपको, क्योंकि तीनों बहुत क्लोज टर्म है, इससे मिलता जुलता और भी टर्म है, जैसे रिजल्ट हो गया, ठीक है, आपको लगे क्या फाइंडिंग क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है, कल तो मैं समझाऊंगी ये आपको, लेकिन आप लोग इसको पढ़ के आइएगा कल के क्लास के लिए, ठीक है, आज का होमवर्क यही है आपका। और क्या था होमवर्क आपका? प्रोसेस एंड टाइप्स, क्वेश्चंस दिए थे आपने, क्वेश्चंस में क्या क्या था, लिटरेचर रिव्यू, ये तो हो गया, टाइप्स एंड रिसर्च था, रिसर्च, हाँ, यही था ना, रिसर्चर इज प्लानिंग, ठीक है, चलिए इसके पहले हम ये होमवर्क करें एक बार, हम लोग जो है रिसर्च का देख लेते हैं कि क्या 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 था, सबसे पहला स्टेप क्या था रिसर्च में, प्लानिंग, हाँ प्लानिंग, फर्स्ट फ्रेज प्लानिंग, सेकंड फ्रेज प्लानिंग के अंदर डाटा कलेक्शन,
थर्ड फेज आ गया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये पेपर पढ़ के इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिसर्च स्टेप बना है वो हम ऐसे कि पहले प्लानिंग हुआ होगा। आप इस तरह से सोचिए, जो पेपर मैं आपको भेजी थी मॉड्यूल डेवलपमेंट वाला, आप इस तरह से सोचिए कि रिसर्चर ने उसके पहले कितना प्लानिंग किया होगा। वो 30-35 लिटरेचर रिव्यू हुआ होगा, फिर उसने जो है कौन सा सैंपल लेना है, किसके ऊपर करना है, कहाँ पे करना है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करूँ, थ्योरेटिकल रिसर्च करूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, क्योंकि रिसर्च बहुत तरह से कर सकते हैं। ये तो आपको एक तरह का मैं रिसर्च बताई कि मॉड्यूल वैलिडेशन उसने उस दिन आपने सबने पूछा था, तो इसलिए मैं आपको ये पेपर दी थी पढ़ने के लिए। ये एक टाइप का रिसर्च हुआ, एक टाइप का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हुआ। ये इसमें भी एक कंट्रोल ग्रुप था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, एक ग्रुप को जो है आपको योगा दिया जा रहा था, वही मॉड्यूल योगा मॉड्यूल, और एक ग्रुप को जो है हम कुछ कुछ भी नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और बेसिक रिसर्च है। यहाँ बेसिक और अप्लाइड का मतलब समझिए कि जो रिसर्चर है उसने खुद वैलिडेट किया है, कल को इनका मॉड्यूल मैं अपने रिसर्च में जो है यूज करूंगी तो वो मेरे लिए अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, जो 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 इन्होंने, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ ना एक ब्लाइंड चिल्ड्रन पे, ये इन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया है एक मॉड्यूल जो ब्लाइंड चिल्ड्रन, जो विजुअल इम्पेयरमेंट है वो बच्चे कर पाए। ठीक है, तो ये पहला रिसर्च है इनके इनका, तो ये इनके लिए जो है बेसिक रिसर्च हो गया। कल यही मॉड्यूल, जो मॉड्यूल बना हुआ है, यही मॉड्यूल मैं यूज करूँ अपने रिसर्च में, तो वो मेरे लिए अप्लाइड हो गया, क्योंकि मैं उनका यूज कर रही हूँ ना। अप्लाइड में बताई थी, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज करना। ठीक है, तो ये क्या क्या हो गया आपका, ये क्वांटिटेटिव भी हो गया, ये जो है आपका एक्सपेरिमेंटल भी हो गया, ये बेसिक रिसर्च भी हो गया। ठीक है, तो एक ही रिसर्च को देखिए अप्रोच के बेसिस के पे, स्कोप के बेसिस पे हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मेथड के बेसिस पे जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये होमवर्क था आपका रिसर्च प्रोसेस। तो अब इसमें है कि आपको फेज बताना है, कौन सा फेज है, फेज वन है, फेज टू है, फेज थ्री है। फेज वन आपका प्लानिंग प्रोसेस था, फेज टू आपका डेटा कलेक्शन था, फेज थ्री क्या था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। वेरी गुड, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना है कि ये जो रिसर्चर है ये कौन से फेज में है, फेज वन में है, फेज टू में है, या फेज थ्री में। ठीक है, फेज वन। ठीक है, पहला का क्या था, अ रिसर्चर इज प्लानिंग वेरियस रिसोर्सेज टू कंडक्ट रिसर्च। ठीक है, तो ये प्लानिंग प्रोसेस में तो ये फेज वन होगा। ठीक है, दूसरा का है अ रिसर्चर अप्लाइड टू गेट अप्रूवल टू कंडक्ट रिसर्च फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये कौन सा होगा, प्लानिंग में भी आएगा, ये भी प्लानिंग फर्स्ट है, क्योंकि मैं आपको बताई थी कि हमने प्लान तो कर लिया, हमने बना लिया, लेकिन बहुत सारे जो है अथॉरिटी है जिससे हमको पास कराना होता है। ठीक है, इथिकल अथॉरिटी है आपका, यूनिवर्सिटी का है, उनसे उनसे सबसे पहले पास कराना होता है, फिर इथिकल कमिटी से पास कराना होता है, फिर जीटीआरआई में डालना होता है। ठीक है, तो बहुत सारा अथॉरिटी है, जब उसको बोल देते हैं कि हाँ आप अपने रिसर्च को कर सकते हो, तो फिर हम जाके करते हैं। तो ये प्लानिंग प्रोसेस में ही आता है, हम जितने तरह के भी अप्रूवल्स लेते हैं ना वो प्लानिंग फेज वन में आता है। ठीक है, अ रिसर्चर इज कॉन्टेक्टिंग फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई पार्टिसिपेंट फॉर रिसर्च, ये कौन सा फेज होगा, प्लानिंग सक्सेसफुल हो गया, सब सारे अथॉरिटी से जो है मुझे अप्रूवल भी मिल गया, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड को अप्रोच कर रही हूँ या अपने फैमिली मेंबर्स को अप्रोच कर रही हूँ पार्टिसिपेंट ढूंढने में। ठीक है, अपने रिसर्च के लिए। अब है कि अ रिसर्चर इज मेकिंग टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट एंड ट्राइंग टू इन्फर इट, ये क्या होगा, ये कौन सा स्टेप होगा, यहाँ पे टेबुलेशन का, हाँ रिजल्ट का काम हो रहा है, टेबुलेशन का काम हो रहा है। ठीक है, अ रिसर्चर हैज डिस्कवर्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल एनालाइजिंग द डेटा एंड प्लान टू चेंज द रिसर्च डिजाइन टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट वंस अगेन, ये कौन सा होगा, थर्ड होगा, हाँ वन होगा ना, कौन कौन थर्ड बोल रहे हैं, कितने लोग थर्ड है, कितने लोग वन है, मैम फेज 3 एनालिसिस होगा, एनालिसिस के बाद उनको प्रॉब्लम डिस्कवर हुआ, उसके बाद फिर से वो प्लान किए, तो थर्ड स्टेज में ही हो रहा है, तो थ्री लग रहा है मैम, आपने बोला था कि लिटरेचर रिव्यू में जाएगा। और फेज 1 होगा, और
फेज थ्री कितने लोग बोल रहे हैं? इसको समझिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सपोज कीजिए आप घर बनवा रहे हैं, ठीक है? घर बनवाते तो क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं ना, यहाँ मास्टर बेडरूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ किचन होगा, ऐसे ही प्लानिंग करते हैं, ठीक है? कोई वास्तु के हिसाब से देखते हैं. तो अब मान लीजिए कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि जहाँ किचन का जगह था हम वहाँ किचन नहीं बना बना सकते, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, फिर से डिजाइन चेंज करेंगे, करेंगे ना? क्योंकि हम जिस जगह पे हमने किचन बनाना था वहां पे हम किचन बना नहीं सकते हैं, ठीक है? वहां रूम रूम बना बना सकते हैं लेकिन किचन नहीं बन सकता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्लानिंग में चेंज करेंगे कि जहां पे किचन का जगह है हम वहां पे फिर से हम मीन्स वो प्लानिंग स्टेज में जाएंगे, फिर उसका मैप चेंज करेंगे, जो भी हम घर घर बनाने के लिए जो भी नक्शा बनवाते हैं ना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, वहां पे किचन के जगह रूम को डालेंगे, ऐसा ही होता है? उसी तरह ठीक जो है, अगर रिसर्चर के साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मैं आपको पहले दिन बताई थी कि रिसर्चर आपका जो प्लानिंग है फेज और जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता, जो कहानी लिख दिया बिल्कुल वैसा ही चलता है. बहुत बारी रिसर्चर को प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमें क्या करते हैं हम कि फिर से हम अपना प्लानिंग चेंज करते हैं, फिर से सारे कमिटी से जो है हम अप्रूवल लेते हैं और फिर से फिर हम अपना जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? अगर रिसर्च डिजाइन चेंज हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अ रिसर्चर हैज डिस्कवर्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल एनालाइजिंग द डेटा. तो डेटा एनालिसिस तो थर्ड फेज में होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम कब यूज करते हैं, थर्ड फेज में यूज करते हैं. तो रिसर्चर यहाँ थर्ड फेज में है एंड प्लान टू चेंज रिसर्च डिजाइन टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट वंस अगेन. फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जब वो एनालाइजिंग कर रहा है डेटा को, तो उसको लग रहा है कि कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो मतलब ये है कि जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है वहां पे. तो फिर क्या होता है कि रिसर्च डिजाइन टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट वंस अगेन. अब ये क्या करेगा, वो रिसर्च डिजाइन उसको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके समझ में आ गया कि कहाँ पे उसके डिजाइन में दिक्कत हुआ था, वो फिर से जाएगा उस डिजाइन को चेंज करेगा और फिर से वो एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है? ये हम लोग के भी यूनिवर्सिटी में होता है. कोई कोई रिसर्चर है 8 साल 9 साल 10 साल, क्या होता है 3 साल 4 साल वो रिसर्च करते हैं, फिर बाद में समझ में आता है कि नहीं, हमें फिर से जो है एक बार प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा, ठीक है? तो ये फेज थ्री तो है ही, ये फेज वन भी है, ये दोनों है. फेज थ्री इसलिए है कि वो डेटा एनालिसिस में था, ठीक है? फेज वन इसलिए है कि वो जब एनालिसिस करना शुरू किया तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं मेरे रिसर्च डिजाइन में दिक्कत आ रही है इस एक्सपेरिमेंट को करने में, तो वो फिर से प्लानिंग फेज में पहुंच गया, फिर से प्लानिंग चेंज करेगा, फिर से सारे कमिटी से अप्रूवल लेगा, फिर से वो रिसर्च करेगा, समझ रहे हैं? तो ये फेज थ्री भी है, फेज वन भी है. ये आपका जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हो रहा है और यहाँ पे फिर से प्लानिंग हो रहा है. जैसे मैं आपको समझाई कि अगर आप किसी घर को बनवाते हैं तो एक प्लानिंग फेज होता है ना, ठीक है? और जब प्रैक्टिकली हम देखते तो लगता है नहीं ये काम यहाँ से नहीं होगा, फिर से हम सारा कुछ चेंज करते हैं. तो उसी तरह ठीक एक रिसर्च में भी होता है कि रिसर्चर को कहीं प्रॉब्लम आ गया या रिजल्ट नहीं आया तो उसको फिर से प्लानिंग फेज में जाना होता है, फिर से कमिटी से अप्रूवल लेना होता है, फिर से रिसर्च करना होता है, ठीक है? आया समझ में? तो पहला इनका फेज थर्ड था, फेज थ्री, और दूसरा क्या था, फेज वन, ठीक है? अच्छा, अब लास्ट का बताइए. अ रिसर्चर कम्युनिकेटेड हिज रिसर्च फाइंडिंग टू अ जर्नल फॉर पब्लिकेशन. फेज थ्री फेज थ्री. तो ये फेज थ्री क्यों है, कोई भी एक माइक अनम्यूट करके बताइए. फेज थ्री क्यों है ये? डिजाइनेशन पे फाइंडिंग हो के अब ये जर्नल में पब्लिकेशन में जा रहा है ना, तो डेजिग्नेशंस में आ गई है. ठीक है. तो इतना आपको समझ में आ गया कि रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च स्टेप, रिसर्च ये क्या है,
ठीक है, ये समझना जरूरी है आपको। इस बार क्वेश्चन आया था शायद इसके ऊपर कि कौन से एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, और आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे कि उनका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि किस स्टेज के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको वहां पे जब करने के लिए मिले कि कौन पहले है कौन बाद में है। देखिए, जब भी पब्लिकेशन होगा, रिजल्ट होगा, या जो है आपका डिस्कशन होगा, ये हमेशा लास्ट में आता है। कभी भी कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं या रिसर्च प्रोसेस होता है या रिसर्च स्टेप होता है, ये पूछा जाता है यूजीसी नेट में कि आपका ये, आपको जो है ना ये जिंगल बना के दे देंगे कि ये आपका जो है रिसर्चर जो है प्लानिंग कर रहा है, फिर दे देंगे जो है वो इस तरह करके जो है आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे आपके रिसर्च प्रोसेस को दे देंगे, और आपको सही प्रोसेस समझना होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च प्रोसेस था, रिसर्च स्टेप था, जहां पे जो है आपको ये समझना था कि रिसर्चर जो है रिसर्च प्रपोजल प्लान, मतलब रिसर्च करने के पहले कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं, कैसे प्लानिंग करना होता है, कैसे डेटा एनालिसिस, कैसे, ये अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ना है अभी हम लोग को इन सब चीजों को। इतना समझ में आ गया किसी को? इसमें कोई प्रॉब्लम हो रिसर्च स्टेप में? किसी को कुछ? मैम, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाँ, मतलब जो कांटेक्ट फ्रेंड टू एडिक्टिव पार्टी से बनाऊं रिसर्च, ये फेज 1 में आएगा कि फेज 2 में आएगा, ये कंफ्यूज हो रहा है मुझे। नहीं, आप कांटेक्ट कब करेंगे अपने फ्रेंड से? मतलब जब हमारा पूरा प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही करेंगे। तो हाँ, मैम, तो उसमें आपको आपने डेटा डाटा कलेक्शन, सिलेक्शन बताया था। हाँ, तो सेकंड फेज आपका डेटा कलेक्शन है ना, तो हमें पार्टिसिपेंट ढूंढ रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे मान ओके लीजिए कि मैं आपको बताई थी कि हम, मुझे मान लीजिए कि मैं कर रही हूँ जो जेल में जितने कैदी है उसके ऊपर मेरा रिसर्च है, ठीक है। तो अब मैं तो जानती नहीं हूँ किसी को, कौन है कहाँ है कैसे मिलेगा, तो फिर मैं एक कैदी से मिली, उसने मुझे दूसरे को बताया, फिर मैं अपने फ्रेंड से पूछी, फिर मैं किसी नोन में पूछी, तो हमें सैंपल्स ऐसे ही आइडेंटिफाई, बहुत सारे सैंपल्स ऐसे, बहुत सारा जो है रिसर्च ऐसा होता है कि हमें अपने फ्रेंड को फोन करके, फैमिली मेंबर्स को, जो भी हम जिनको नोन है, जो हम जो मुझे लगता है उनसे हेल्प मिल सकता है, तो हम उनसे हेल्प लेते हैं। अब जैसे कि राहुल जी ही आपको देते हैं ना कि ये इनका सर्वे फॉर्म है, प्लीज इनका हेल्प हेल्प कीजिए, तो कभी उनको किसने कब कांटेक्ट किया होगा? जब किसी का रिसर्च प्लानिंग कंप्लीट हो गया होगा, तभी तो आपके ग्रुप में आता होगा ना वो फॉर्म फिलअप करने के लिए, अभी ठीक है। तो ये फेज 2 हुआ, ठीक है। जब आप, टेबुलेशन रिजल्ट तो ये फेज 3 2 में नहीं आएगा ना, ये नहीं 2 में ही नहीं रहेगा। नहीं नहीं ये 2 में नहीं होगा। देखिए, डेटा कलेक्शन का मतलब है आप अभी कुछ भी जो है स्टेटिस्टिकल वाला काम नहीं, डेटा कलेक्शन का मतलब है कि आप का प्लानिंग खत्म हो चुका है, प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट, जो लिखने का काम था, जो परमिशन लेने का काम था, वो सारा कुछ खत्म कर चुकी है आप। अब आपको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जितने भी है वो बोल रहे हैं कि ठीक है जाओ और तुम डेटा कलेक्शन करो, क्योंकि जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलता है ना, आप डेटा कलेक्शन कर नहीं सकते हैं। जब तक आपको सारी कमिटी से अप्रूवल नहीं मिलेगी, आप डेटा कलेक्शन नहीं कर सकते। तो डेटा कलेक्शन में हमेशा आपके जो है पार्टिसिपेंट आते हैं, जो आपके सैंपल्स होते हैं, जिसके, जैसे मान लीजिए वो पेपर मैं दी थी विजुअल इम्पेयरमेंट पे था, तो विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है कि मैम ने बहुत सारे स्कूल्स को कॉल किया हो, बहुत सारे कॉलेज में कॉल किया हो, बहुत सारे फ्रेंड्स से पूछा हो कि मुझे करना है, मुझे बताओ क्या, मतलब ऐसे ही कॉन्टेक्ट करते हैं ना, क्योंकि एक रिसर्चर को तो, देखिए मैंने आपको पहले पहली क्लास में बताया, नेट जेआरएफ करना और पीएचडी करना बिल्कुल डिफरेंट है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप जब पीएचडी करते हैं, जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, तो बिल्कुल आपको पूरी प्रैक्टिकली आप बहुत साउंड होनी चाहिए कि आपको यहाँ भागना है, आपको वहां जाना है, आपको यहाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम होता है आपका, ठीक है। बहुत सारा काम ऐसा होता है कि जब आप कर रहे होते हैं तब आपको समझ में आता है कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। तो ये फेज 1 में ही आएगा ये भी। ये आपका आइडेंटिफाई फ्रेंड, ये पार्टिसिपेंट का जो है ये फेज 2 हो गया आपका। आप हाँ अपने फ्रेंड को कांटेक्ट कर रहे हैं ना, तो फेज 2 हो गया ये नहीं, और डेटा। मैम ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, ये मेरे दोनों कंफ्यूज हो रही है, टीचर्स देखिए, मीटिंग का। टेबुलेशन वाला काम हो रहा है ना, आप रिजल्ट है यहाँ पे, इसका मतलब आपका डेटा कलेक्शन हो गया ना, टेबुलेशन हाँ तो ऑफ ये रिजल्ट। हाँ, फेज 3 में ये बोल रही हूँ, ये फेज 3 हुआ आपका। ये फेज 3 हुआ ना। हाँ, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो रिसर्च स्टेप, रिसर्च प्रोसेस में क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं आपके,
और जब भी मैं होमवर्क देती हूँ कोशिश मैं करती हूँ मैं आपको फ्राइडे को ही होमवर्क दूँ ताकि सैटरडे संडे आपके पास हो, तो मंडे को आप होमवर्क करके लाए फिर। नहीं अगर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं या नहीं टाइम मिल पा रहा, क्योंकि देखिए टाइम तो देना पड़ेगा, मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं आपके लिए इतना काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा काम आप अपने लिए कर लीजिए। मैम जर्नल के बारे में एक बार और बता दीजिए। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी और रिसर्चर अब क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में एक लास्ट पॉइंट था ना डिजिमिनेशन। डिजिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि अपने काम को दूसरे तक फैलाना। जैसे मान लीजिए मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं पेपर राइटिंग कर रही हूँ अभी, तो मैं क्यों पेपर राइटिंग कर रही हूँ? अगर मैं अपने काम को दूसरों तक नहीं पहुंचाऊंगी, दूसरे रिसर्चर तक नहीं पहुंचाऊंगी, तो उनको कैसे पता चलेगा कि इस पे क्या काम हुआ हुआ है, क्या रिजल्ट आया है, इस पे कहाँ कहाँ काम हुआ है। ठीक है, जैसे आप लिटरेचर रिव्यू करती हैं तो वो लिटरेचर रिव्यू में भी तो किसी रिसर्चर ने अपना रिसर्च पब्लिश कराया हुआ ना किसी जर्नल में, तो जर्नल पब्लिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने काम को बता सके कि मैंने इस योगा में इस टॉपिक पे काम की, तो मैं ये चीज मेरा रिजल्ट आया या मैं ये कंक्लूड की। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है पेपर लिख करके सबको बताना होता है। अब जैसे क्या होता है, जैसे मैं आम भाषा में आपको बताऊं, आपको कोई रेसिपी ही देखना है तो क्या करती हैं आप, यूट्यूब में जाती हैं तो कोई ना कोई तो उसमें 75 रेसिपी आ जाता है, आप एक ही डालिए तो उसमें कितने सारे आ जाते हैं। उसी तरह किसी रिसर्चर को अगर अपने रिसर्च के बारे में जानना होता है तो जो मैं आपको बताई थी जितने भी ऑनलाइन आपके ये हैं, गूगल स्कॉलर हो गया, उसके बाद फिर आपका पबमेड हो गया, ये सब चीज पे जा करके हम कीवर्ड बना के सर्च करते हैं कि ये मेरा कीवर्ड है बींग अ रिसर्चर, और फिर हम उसमें पेपर देखते हैं कि क्या क्या काम हुआ है, किसने किस तरह से काम किया है। ठीक है, तो ये यही हुआ आपका कि जो लास्ट प्रोसेस होता है हम जर्नल पब्लिकेशन कराते हैं कि मेरा सारा रिसर्च पूरा हो चुका है, अब जो मैंने पाया है, जो मेरा डेटा एनालिसिस हुआ है, जो रिजल्ट आया है, उसको हमें पब्लिश कराना होता है जर्नल्स में। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हेलो, नो मैम, कोई नो क्वेश्चन? मैम, ठीक है, चलिए, नो मैम, समझ में सबको आ गया होगा, मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी। नहीं भी आ रहा है, क्लासेस में कंटिन्यू रहिए, ठीक है, क्लासेस मत छोड़िए। अगर क्लासेस छूट जाता है तो एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख के आइए क्लास में, क्योंकि अभी जो 10 दिन क्लासेस चलेगी ना आपकी, एक भी क्लासेस मिस मत कीजिए, मिस मत होने होने दीजिए। जब भी टाइम मिलता है वीडियो कॉल के आप देख देख लीजिए, ठीक है, ताकि नहीं तो फिर आपको एक भी क्लास अब आपका छूटेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका, ये आंसर दिया हुआ है, ये रिसर्च क्वेश्चन। और कोई होमवर्क था इसके अलावा? टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च। ऑफ रिसर्च था, अच्छा ये वाला होगा, अच्छा ये वाला होगा आपका। ठीक है, जी तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या क्या था, किस किस बेसिस पे जो है रिसर्च हमने पढ़ा था? पहला क्या था? इसको स्कोप के बेसिस। दूसरा क्या था? अप्रोच। अप्रोच, अप्रोच। तीसरा क्या था? मेथड, स्कोप के बेसिस पे क्या 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 था? बेसिक एंड अप्लाइड, बेसिक एंड अप्लाइड, और अप्रोच के बेसिस पे क्या क्या था? एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, एंड थ्योरेटिकल, क्वालिटी और मेथड के बेसिस पे क्या था? एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मिक्स्ड। ये रिसर्च सब लोग कर, ये होमवर्क सब कुछ कर, सब लोग करके आए थे, ये वाला यस मैम, जी मैम, ये करके आए थे, तो ठीक है। चलिए, फर्स्ट का ये देखिए आंसर यहाँ दिया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता दूंगी आपको। ये सबका किसका किसका सही है, कोई ऐसा जो सारा सही करके आया हो, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, माइक अनम्यूट करके बोलिए, कोई भी ऐसा जिसका सब सही हो इस तरह, ये जो मैंने होमवर्क दिया है आपको। जी सही है सब, किंतु कुछ कुछ में मैं ऐड किया हूँ क्वालिटी क्वांटिटी, कुछ में मिसिंग है आंसर में। अच्छा, कोई ठीक एक लास्ट वाला गलत हो गया, बाकी सब सही है। ठीक है, तो देखिए होमवर्क करके आएंगे ना तो आपको भी क्लास करने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में भी फिर मजा आएगा। ठीक ये है ना, मैंने क्वांटिटेटिव किया लेकिन आपने बेसिक भी डाला है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है लास्ट के दो। कोई नहीं, ये अभी हम लोग देखेंगे ना, तो अभी मैं बता दूंगी। चलिए नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन क्या है? टू इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ माइंड इम्पेरिकली। इम्पेरिकली मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकली,
डाटा बेस्ड एक्सपेरिमेंट आपका इम्पेरिकली जहाँ पे होगा होगा वहां पे हाँ उसमें वेरिएबल्स जरूर होंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको वेरिएबल्स, ठीक है। जब भी कोई एम्पेरिकल रिसर्च होगा या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा उसमें आपका वेरिएबल जरूर होगा, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ माइंड इम्पेरिकली, ठीक है। तो इम्पेरिकली लिखा है तो एक्सपेरिमेंटल तो होगा ही होगा, और नेचर ऑफ माइंड लिखा हुआ है तो ये बेसिक भी है। आप देखिए अभी हो सकता है आप नेचर ऑफ माइंड पे कंफ्यूज कर रहे हो बहुत सारे लोग कि ये नेचर ऑफ माइंड क्या है, ठीक है। जहां कंफ्यूजन है उसके ऊपर मत मत जाइए अभी, क्योंकि क्या है कि ये सब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी तो रिसर्च क्लास आपका बहुत आगे चला जाएगा फिर, ठीक है। सात्विक राजसिक तामसिक बोल सकते हैं, हाँ इस तरह से आप समझ सकते हैं नेचर ऑफ माइंड को, हालांकि ये ऐसा है नहीं लेकिन समझ सकते हैं इस तरह से आप, ठीक है। क्वालिटेटिव में आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। और दूसरा है टू इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ माइंड एज प्रेजेंटेड इन योगिक टेक्स्ट। अब देखिए योगा टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे कि मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ तो नेचर ऑफ माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है। उसी तरह जो है पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं आप लोग अभी, उसमें पांच तरह का, हाँ उसमें उसमें पांच तरह का दिया हुआ है, क्षिप्त विक्षिप्त मूड, क्षिप्त विक्षिप्त मूड और क्या है, ठीक है। तो ये जो है ना आपके योगिक टेक्स्ट में दिया हुआ है पतंजलि योग सूत्र में, ठीक है। तो अब ये क्या है कि इसमें तो कोई एक्सपेरिमेंटल हो नहीं रहा है, कि कोई इसमें क्या लिखा हुआ है, योगा टेक्स्ट से ये कर रहे हैं रिसर्च, ये जो रिसर्चर है वो योगा टेक्स्ट से कर रहे हैं, ठीक है। तो योगा टेक्स्ट से कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये टेक्स्ट बुक से हो रहा है ना, थ्योरेटिकल, और नेचर ऑफ माइंड है, ठीक है, तो ये बेसिक हो गया, क्वालिटेटिव में आएगा, और ये क्वालिटेटिव में आएगा, वेरी गुड, ये क्वालिटेटिव स्टडी में आएगा आपका, ठीक है। टू स्टडी इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायामा ब्रीदिंग टेक्निक विथ हमिंग साउंड ऑन मेमोरी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायामा तो ऑन मेमोरी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो स्कूल चिल्ड्रन है ना पार्टिसिपेंट है, मैंने बोला था कोई ह्यूमन इंटरवेंशन हो या इफेक्ट, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है प्राणायामा, हम तो मतलब हम तो करवाएंगे किसी से तभी तो आएगा ना, तो ये एक्सपेरिमेंटल ऐसे समझ में आ गया, और इसका इफेक्ट देख रहे हैं। अभी मैं आपको दो तरह का रिलेशन अभी पढ़ाऊंगी मैं रिसर्च, तो ये अप्लाइड भी आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि टू स्टडी इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायामा, जिसको हम ब्रीदिंग टेक्निक विथ हमिंग साउंड बोलते हैं, मान लीजिए किसी को भ्रामरी प्राणायामा नहीं होगा पता, तो हम क्या करेंगे कि लेमेन वर्ड में लिखेंगे ना कि क्या होता है ये प्राणायामा में क्या होता है, तो इसीलिए ब्रैकेट में ब्रीदिंग टेक्निक विद हमिंग साउंड लिखा हुआ है, ठीक है। और मेमोरी इन स्कूल चिल्ड्रन, तो ये अप्लाइड भी है और एक्सपेरिमेंटल भी है। टू इन्वेस्टिगेट, हाँ बताइए मैम, जो मेमोरी लेवल है उसको साइंटिफिकली मेजर करने के लिए भी है मेजरिंग टूल्स, उसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव में आएगा। देखिए इसमें दिया हुआ इफेक्ट, ठीक है, ऑन द मेमोरी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कि इसका इफेक्ट क्या है, तो अभी मैं आपको कोरिलेशनल और कॉजल बताऊंगी, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही आता है, तो ये टर्मोलॉजी क्लियर हो जाएगा आपका, अभी वो मैं आपको नहीं पढ़ाई हूँ, ठीक है। एक बार जब पूरा रिसर्च, क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं अभी, ये क्वांटिटेटिव ही आएगा आपका, ये क्वांटिटेटिव होगा, ये आपका अप्लाइड क्वालिटेटिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट है ना, इसका रिजल्ट आएगा, इसका क्वांटिटेटिवली रिजल्ट निकालना होगा तभी ये होगा, तो ये क्वांटिटेटिव ही होगा। अब है टू इन्वेस्टिगेट हाउ कॉर्टिसल थिकनेस इंक्रीजेस विद द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। तो अब ये असेसमेंट टूल के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्या है ये असेसमेंट टूल, ये मुझे भी नहीं पता है एफएमआरआई क्या होता है, ठीक है। तो आप इतना समझिए कि टू इन्वेस्टिगेट हाउ कॉर्टिसल, ये आपका एनाटॉमी वगैरह सब अभी तो नहीं पढ़ाया गया होगा ना? नो मैम। अच्छा, तो क्या होता है कि बहुत सारा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मेडिटेशन करते हैं हम लोग, तो मेडिटेशन करने के पहले मैम ये इस तरह का वो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस जो करते हैं, आरएमआई, एमआरआई, एमआरआई की तरह, हाँ एमआरआई की तरह आप समझ सकते हैं कि जो एमआरआई हम करवाते हैं एडवांस जो होता है,
ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो है ही, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या है कि इन्वेस्टिगेट मीन्स जो है हम मेडिटेशन करने के पहले, जब हम योगा में मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करने के बाद, ठीक है, तो हम इसमें एक असेसमेंट टूल यूज कर रहे हैं जिसका नाम है FMRI। तो इसमें तो ये कौन सा जो है आपका एक्सपेरिमेंट होगा या कौन सा आपका जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च होगा, तो ये है क्वांटिटेटिव और बेसिक। ठीक है, क्वांटिटेटिव इसलिए होगा क्योंकि जो असेसमेंट टूल यूज किया जा रहा है इसमें हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, एक टूल को यूज किया जा रहा है जिससे हम ये पता कर रहे हैं कि मेडिटेशन करने से जो हमारा ब्रेन का कॉर्टिसोल होता है उसमें कोई फर्क है या नहीं होता है। मेडिटेशन का इफेक्ट तो ऐसे ही देखेंगे ना, इसको साइंटिफिक बनाने के लिए साइंटिफिक स्टडी तो करेंगे ना इसके ऊपर, ठीक है। मैम ये पर मैम इसको बेसिक में क्यों रखा, एक्सपेरिमेंटल में क्यों नहीं रखा? हाँ यस मैम, ये मेरा भी क्वेश्चन था देखिए कि एक्सपेरिमेंटल ये कौन, बेसिक कैसे हुआ। एक मिनट, एक्सपेरिमेंटल और बेसिक ये दोनों का डिवीजन कैसे होता है? बेसिक आपका किस में आता है? बेसिक मैम स्कोप में आएगा तो ये अप्लाइड होगा होना चाहिए, ये मेरा और कहना है। एक्सपेरिमेंटल, नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, ये बेसिक जो है आपका स्कोप के अकॉर्डिंग हुआ, एक्सपेरिमेंटल कैसे होगा? एक्सपेरिमेंटल तो अप्रोच में आएगा मैम, मेरा ये बोलना है कि ये बेसिक है तो मतलब ये बेसिक क्यों हुआ मैम, क्योंकि इसके पहले तो कोई मतलब ये एक ऑथेंटिक वो हुई, ये हम इसको बेसिक मानेंगे। लेकिन अप्लाइड अपन कर रहे हैं एमआरआई, तो मैम ये मतलब मतलब एक रिसर्च के बाद दूसरा हम वो कर रहे हैं एमआरआई, तो ये अप्लाइड में होना चाहिए, बेसिक क्यों हुआ ये मेरा कहना है। नहीं, देखिए ये एफएमआरआई जो है ये एक असेसमेंट टूल है, ठीक है, ये एक टूल है जिससे कि कॉर्टिसल थिकनेस, जो हम लोग का ब्रेन का कॉर्टिसल होता है उसको नापने का एक ये तरीका है, ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे हम लोग थर्मोमीटर से फीवर नापते हैं अपना, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिक क्यों है? बेसिक इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा होगा, हो सकता है टू इन्वेस्टिगेट हाउ कॉर्टिसल थिकनेस इंक्रीजेज विद द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि देखिए बुक में तो जो है आपका जो दिया हुआ, मतलब इस तरह से साइंटिफिक लैंग्वेज में तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे हाइट वेट पहले हम लेते हैं किसी का, ऐसे हाँ, बिल्कुल। देखिए एफएमआरआई भी जो है आपको कुछ ना जी कुछ रीडिंग देता होगा ना कि हम मेडिटेशन करने के पहले और मेडिटेशन करने के बाद, तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट हुआ आपका ये बेसिक इसलिए है क्योंकि ये हो सकता है कि ये पहली बार ही हो रहा हो, इसमें कुछ भी हम ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं। ये देखिए एफएमआरआई से आप कंफ्यूज मत होइए, ये असेसमेंट टूल है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हम बहुत सारा असेसमेंट टूल यूज करते हैं। असेसमेंट टूल वो होता है जैसे मान लीजिए किसी आदमी को फीवर है, तो हम थर्मोमीटर क्या हो गया मेरे लिए, एक असेसमेंट टूल हो गया फीवर को नापने के लिए, ठीक है। आप इसको मत अभी देखिए, अभी देखिए आपको पूरा रिसर्च मैंने पढ़ाया नहीं है तो अभी इसको रहने दीजिए, अभी इसको मत मत देखिए, ठीक है। आई गॉट इट मैम, आप ये कहना चाह रहे हो कि शुरू करने से पहले उनका थिकनेस क्या था ये मेजर करना जरूरी है, इसलिए क्वांटिटेटिव में रखा और बेसिक में रखा, क्योंकि हम प्राणायाम की स्टार्टिंग कर रहे थे और फिर जब हम आगे करेंगे तब क्या रहा, कितना टाइम करा, कैसे था, फिर जब दोबारा एमआरआई कराएंगे तो वो एक्सपेरिमेंटल में जाएगा। बिल्कुल ठीक ठीक बोल रहे हैं आप। जैसे कि मान लीजिए कि अब मेरा रिसर्च बेसिक रिसर्च है, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना सारा लिटरेचर रिव्यू मुझे करने के बाद मुझे ये लगा कि जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरा बेसिक है, तो एज अ रिसर्चर मैं जान रही हूँ कि मेरा रिसर्च जो है बेसिक है। कल को अगर जो मैं चीज डेवलप कर रही हूँ या जिस चीज को मैं डेवलप कर रही हूँ उस चीज को, जैसे योगा मॉड्यूल के बारे में मैंने बोला आपसे, तो वो डिपेंड आपका ये एक रिसर्चर के ऊपर ही करता है। मतलब जब आप रिसर्चर का, जब आप कोई अपना एक्सपेरिमेंट करती है या जो आप अपना रिसर्च करती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम ऐसा यहाँ कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं जो अप्लाइड हो, जो पहले किसी ने यूज किया हो। इस क्वेश्चन से कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कहीं पे लिखा हो कि ऑलरेडी जो रिसर्च हुआ हुआ है हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए इसमें इम्पेरिकली लिखा हुआ है तो इससे पता चल रहा है कि चलिए एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बेसिक और अप्लाइड इसमें कंफ्यूज मत होइए अभी, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो है ना आपके बिल्कुल रिसर्च के वर्ड है और मैं अभी यूज नहीं करना चाह रही हूँ आपके ऊपर। पहले आप रिसर्च का थोड़ा बहुत क्लास कर लीजिए, उसके बाद फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ योगी इन अ ईयर लॉन्ग रिट्रीट थ्रू एन इंटरव्यू। इंटरव्यू किसमें आता है? इंटरव्यू किसमें? क्वालिटेटिव। ठीक है, और एक्सपीरियंस ऑफ अ योगी इन अ ईयर लॉन्ग रिट्रीट थ्रू एन इंटरव्यू। इंटरव्यू का क्या मतलब हो गया कि ये क्वालिटेटिव होगा और इसके एक्सपीरियंस को समझना है, मतलब एक योगी के एक्सपीरियंस को समझा जा रहा है इंटरव्यू के तरह, कि उसका लॉन्ग टर्म जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, तो उससे इंटरव्यू ले रहा है रिसर्चर, तो ये क्वालिटेटिव हो गया। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा होगा तो इसीलिए बेसिक है, क्योंकि हम लिटरेचर रिव्यू से ही जान सकते हैं कि बेसिक है कि अप्लाइड है। ठीक है ना, हम जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तभी हमको पता चलता है बहुत सारा कि ये बेसिक है कि अप्लाइड है। ठीक है, और मैम ये एक्सपेरिमेंटल में आएगा? कौन? नहीं नहीं ये क्वालिटेटिव है ना, ये एक्सपेरिमेंटल में नहीं आएगा। अप्रोच के बेसिस में अगर हम बोलेंगे, नहीं देखिए क्या है ना, एक्सपेरिमेंटल में अभी मैं वेरिएबल्स, नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल्स का ही रखूंगी, तो ये डाउट भी आपके खत्म हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब भी होगा ना उसमें वेरिएबल्स जरूर होगा, दो वेरिएबल्स जरूर होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जब हम वेरिएबल पढ़ लेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंटल वाला भी क्लियर हो जाएगा। जब भी देखिए ह्यूमन का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही है, किसी लिविंग बींग का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन सिर्फ ये एक कैरेक्टरिस्टिक हमारा एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल रिसर्च नहीं नहीं बता बता सकता है। सिर्फ ये एक कैरेक्टरिस्टिक से हम नहीं समझ सकते हैं कि वो मेरा थ्योरेटिकल है कि एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब भी होगा तो उसमें दो वेरिएबल जरूर होंगे। वेरिएबल्स अभी नहीं पढ़ाई हूँ मैं आपको, वो पढ़ा दूंगी, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है मैम, अप्रोच के बेसिस में हम क्या बोलेंगे, क्या होगा बताइए आप अप्रोच के बेसिस पे। हेलो मैम। हाँ अच्छा, मैं बोल सकती हूँ कुछ? एक क्वेश्चन पहले इनका खत्म होने होने दीजिए, फिर आप। ये तो थियोरेटिकल तो नहीं है क्योंकि हम बेस्ड ऑन लिटरेचर नहीं है, प्रैक्टिकल पर्सन के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, तो थियोरेटिकल नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंटल होगा, मैं इसे सोच रहा हूँ। नहीं नहीं देखिए एक्सपेरिमेंटल अभी मैं आपको वेरिएबल्स नहीं पढ़ाई हूँ, एक्सपेरिमेंटल तभी होगा जब उसमें वेरिएबल्स इंक्लूड हो। देखिए बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेरिएबल्स का। वेरिएबल अभी जब आप पढ़ाई कर लेंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग वेरिएबल्स नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए आपको एक्सपेरिमेंटल में ह्यूमन पार्टिसिपेंट का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही है, लेकिन जरूरी नहीं। अब जैसे मान लीजिए आप लोग सर्वे करके देते हैं, तो सर्वे कौन सा रिसर्च है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वे कौन सा रिसर्च है, आप मेथड के ऊपर बताइए, तो क्या होगा? वेरी गुड, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, और रिव्यूज होंगे तो क्वालिटेटिव होगा, रिटर्न होगा, कमेंट्स होंगे, रिव्यू होगा। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको सर्वे स्टडी भरने देती हूँ, तो वो क्वालिटेटिव भी होगा और क्वांटिटेटिव भी होगा, दोनों होगा। और हो सकता है कि कोई के रिसर्च आपका सिर्फ क्वालिटेटिव हो, मैम इसे मिक्स जो बोल सकते हैं ना। हाँ, इसको आप मिक्स मिक्स बोल 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 सकते हैं। देखिए हर चीज जो डिपेंड करता है ना, आप रिसर्च में कोई भी चीज बिना जाने नहीं कर बोल बोल सकते। जैसे मान लीजिए कि आप क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स्ड है, रिसर्च क्या है ये पूरा डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे डिजाइन किया, आपकी जरूरत क्या है, जिस चीज को आपको प्रूफ करना है उसके लिए आपकी जरूरत क्या है। ठीक है, तो जब तक रिसर्च क्वेश्चन, एक वैलिड रिसर्च क्वेश्चन इसलिए तो बनाना पड़ता है ना कि हम जान सके कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है। तो आपको जो है क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद मेरे से पूछिए कि मैम मैं ये रिसर्च कर रही हूँ इसमें क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले जो आप रिसर्च स्टेप में बताई हूँ वो पूरा देखना होगा, उसके बाद ही पता चलता है कि जो है रिसर्चर कर क्या रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत ज्यादा देखिए एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल ये भी हम लोग को पढ़ना है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो अभी पढ़ाई नहीं होगी आपको, वेरिएबल्स पढ़ाई ही नहीं हो, तो यहाँ पे ना बस जितना समझा रही हूँ उतना समझिए। जब वेरिएबल्स पढ़ लेंगे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो सबसे बड़ा क्वालिटी है वो है वेरिएबल्स का। ठीक है मैम, यहाँ पे भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे एक्सपीरियंस को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो कौन सा एस्पेक्ट, जैसे ब्रेन के एस्पेक्ट या कौन सा स्टेट ऑफ माइंड, ये भी तो वेरिएबल हो गया। एक्सपीरियंस को मेजर करने के लिए वेरिएबल तो यूज करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, ये यहाँ हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं तभी तो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना। मतलब लास्ट वाला मेरे का मतलब है कौन सा, लास्ट वाला जो एक्सपीरियंस हम अंडरस्टैंड करने चाहते हैं, इंटरव्यू लिखा हुआ है ना,
टू अंडरस्टैंड द, तो उसका एक्सपीरियंस हम कैसे समझ रहे हैं इंटरव्यू की तरफ की तरफ। अब जैसे मान लीजिए मुझे आपसे कुछ पूछना है कि आपको एमडीवाई का क्लास कैसा लगा, तो आपसे मैं पूछ रही हूँ, कोई असेसमेंट टूल तो यूज नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ। हाँ, आपने कब ज्वाइन किया, आपके इसमें कितना सब्जेक्ट होता है, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना मैं आपसे, तो मैं आपका कोई असेसमेंट टूल तो यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपका सिंपल इंटरव्यू ले रही हूँ कि आपको इसकी क्लासेस कैसी लगती है, इसमें कौन कौन सी क्लासेस होती है। तो एक इंटरव्यू चल रहा है ना मेरे और आपके बीच में, तो इसमें हम कोई वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, हम कुछ नाप नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे एक योगी का, एक ह्यूमन पार्टिसिपेंट का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये रिसर्च जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगा। आया समझ में? जी मैम, अगर हम रेटिंग के जैसा पूछेंगे इंटरव्यू, आप पहले आपका मेमोरी लेवल कैसा था, अभी कैसा है, हैप्पीनेस क्वेश्चन कैसा है, अगर आप कोई असेसमेंट टूल यूज करते हैं ना, दो ग्रुप बनाते हैं, कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं, फिर कोई असेसमेंट टूल यूज कर रहे हैं, ब्रेन का कुछ आपका यूज कर रहे हैं, कोई ब्लड सैंपल यूज, मतलब कुछ असेसमेंट टूल इसी को बोलते हैं कि किसी को नाप रहे हैं कि सब जब चीज को, जब ये वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, तो फिर आपका वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाता है। ये थ्योरेटिकल रिसर्च होगा, ये जो लास्ट वाला है ना, क्वालिटेटिव है, बेसिक है और थ्योरेटिकल है। हाँ, किसी का क्वेश्चन था, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन था। मैम क्वेश्चन नहीं था, यस मैम मैं थी, मैम क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली, मैं ऐसा समझ रही हूँ, आप बताइएगा सही है कि नहीं। जैसे इधर पे जब भी हमने इन्वेस्टिगेट किया है किसी बात को जो पहले से बताई हुई है व्यवहारिक रूप से, तो उसमें हमने बेसिक बोला है, जैसे इन्वेस्टिगेट किया है या कोई पहले से किसी अनुभव जैसे एक्सपीरियंस है योगी का, तो ये सभी का एक्सपीरियंस होता है, तो इनको समझ रहे हैं तो ये बेसिक है। लेकिन जब हम किसी का स्टडी कर रहे हैं कि उसके इफेक्ट क्या होते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, तब हम उसे अप्लाइड कह रहे हैं। क्योंकि मैम बुक में, एक हिंदी की बुक से भी मैंने मिलाया था, तो बेसिक को व्यवहारिक बोला है, मतलब पहले से जो बातें कही गई है पर वो कैसे काम करती है। जैसे अगर इसमें हम FMRI से जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, इसमें लिखा हाउ, तो हो रहा है ये पता है, पर कैसे हो रहा है ये जानने के लिए जब भी कर रहे बेसिक है, लेकिन क्या हो रहा है ये जब जानना है तब वो अप्लाइड है। तो ये सही है क्या मैम? बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपके बुक में बिल्कुल सही सही दिया हुआ है, एग्जैक्ट डिफिनेशन यही है कि जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है, और उसी और उस बेसिस पे आप कोई सेकेंड टाइम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम हो रहा है वो आपका बेसिक, बेसिक बोल लीजिए, फंडामेंटल, बेसिक रिसर्च के बहुत सारे नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, और क्या है, बेसिक फंडामेंटल व्यवहारिक भी था मैम, रिसर्च प्योर भी था व्यवहारिक भी था, हाँ ठीक है, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, सब इसी के नाम है। तो फंडामेंटल, बेसिक, प्योर, ये सारे रिसर्च क्या है, वन टाइम, मतलब जो पहले हो चुके हैं उसके रेफरेंस से हम अगर कोई दूसरा रिसर्च कर रहे हैं तो वो हमारा अप्लाइड रिसर्च हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपको समझ। लेकिन जब भी इंटरव्यू रहेगा या कोई ऑब्जर्वेशन रहेगा डाटा कलेक्शन में, तो वो हमेशा क्वालिटेटिव में ही आएगा ना? हाँ, देखिए मैं आपको टेबल बना के दी हूँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का, उस टेबल को याद कर लीजिए आप, ठीक है। इसके पहले एक क्लास हो चुकी है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की, देखिए ये पढ़ाई हूँ ना मैं आपको, इसमें लिखा ना इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, आर्टिफैक्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, इस टेबल को ध्यान रखिए, तभी जो है आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, अब आपका जो है नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाला है, तो मैं अब इसको यही ओवर करती हूँ। चलिए, क्लोजिंग प्रेयर कौन कौन कराएगा? अभी तीन से अभी क्लास है ना आपकी, 3 to 4? ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल कराइए प्रेयर। कमर कर्तन सिल्की करें, आंखें बंद, ओम का उच्चारण, ओम शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, शांति रापह, शांति रुषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्मा, शांति शांतिरेव शांति श्यामा, शांति रे,
सर्वानिष्ठ सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए आंखों पर लगाएं। धन्यवाद, हरिओम। चलिए, और कोशिश कीजिए कि प्रेयर कराने के समय आप अपना कैमरा ऑन रखिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोग वेरिएबल्स पढ़ के आएंगे, अगर कोई पढ़ के आते तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। बहुत अच्छी बात है आपकी। हाँ, थैंक यू। नमस्कार, नमो नमः।